गुड इवनिंग एवरीवन सभी डियर स्टूडेंट का एक बार फिर से मैं रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ प्यारे बच्चों आप सभी लोग कैसे हो सभी बच्चे जो लाइव क्लास में जुड़ चुके हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत नीरज महेश प्रिया मीणा दिलकेश निकी पूनम अनु एंड महेश सभी को राधे राधे शिवानी आप सभी का बहुत हार्दिक स्वागत रॉयल इंस्टीट्यूट लगातार जो है बच्चों की हेल्प करने के लिए बच्चों के लेवल को बढ़ाने के लिए हम लोग जो है बिल्कुल अपना लेवल बढ़ाने में लगे हुए हैं और हम आज इस स्तर पर पहुँच चुके हैं रॉयल इंस्टीट्यूट आज इस लेवल पर पहुँच चुका है कि बिल्कुल जो है जेट और सी में पूरे इंडिया लेवल में जो है बेस्ट रिजल्ट देने के लिए तैयार है प्यारे बच्चों आप सभी को मैं ये बताना चाहता हूँ कि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर जो क्रेश कोर्स है उस क्रेश कोर्स के जो है बिल्कुल बैच यहाँ पे स्टार्ट हो चुके हैं और अभी भी नए बैच के अंदर एडमिशन चल रहे हैं जो भी स्टूडेंट अभी तक आप लोग किसी कारणवश एडमिशन नहीं ले पाए हैं तो आपसे मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग क्रेश कोर्स के माध्यम से बिल्कुल के जुड़ करके बिल्कुल देश की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें सी के माध्यम से राजस्थान की टॉप यूनिवर्सिटी में जेट के माध्यम से जो है अपनी सीट फिक्स कर सकते हैं तो मुकेश गुड इवनिंग सभी को अजय बिल्कुल जो है शिवराज आप सभी के बच्चों का हार्दिक स्वागत है मंजू लता सभी को जो है राम राम बाड़मेर से या राजस्थान के अलग अलग जगह से बिल्कुल जो है जुड़ चुके हैं ठीक है पायल शर्मा वेलकम आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आइए स्टूडेंट पहले क्लास जो पहला क्वेश्चन है वो आपके स्क्रीन पे इस प्रकार से रहेगा मैं प्रश्न को पढ़ूंगा उसके बाद में आप लोगों को उत्तर देना है वायव्य दाब में कौन सी मतलब वायु दाब में या वायव्य दाब में कौन सा मूलोत्पत्ति माध्यम व्यावसायिक स्तर पर उपयोग में लिया जाता है इसकी अंग्रेजी पढ़ोगे तो ज्यादा ठीक रहेगा विच इज कॉमर्शियली यूज एज ए रूटिंग मटेरियल इन एयर लेयरिंग पीट वर्मिकुलाइट परलाइट और स्पेग्नम मॉस पीट वर्मिकुलाइट परलाइट एंड स्पेग्नम मॉस यानी कि जो एयर लेयरिंग होती है उसमें रूटिंग मीडिया के लिए हम लोग क्या काम में लेते हैं ऐसा आपके सामने साथियों प्रश्न पूछा गया है इजी क्वेश्चन है कोई बहुत कठिन तरीके का प्रश्न नहीं है ठीक है तो आप सभी लोग मुझे फटाफटी कमेंट कर देना और तो मैं क्या है अगले प्रश्न की तरफ जो है मूव कर लेंगे आपको काफी चीजें काम की मैं बताऊंगा बच्चे उत्तर प्रदेश से भी हमारे बीच में जुड़े हैं तो आपका भी मैं बहुत स्वागत करना चाहता हूँ बच्चों ठीक है हरिओम शर्मा गुड इवनिंग रूही शर्मा वेलकम इसी तरीके से जो है अभिषेक एंड हरिओम एंड सोनू एंड एवरीबडी जो भी बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास में प्यारे बच्चों आपका उत्तर सेकंड आ रहा है उसका चार आ रहा है देखो ऐसा है कि एयर लेयरिंग के अंदर हम लोग रूटिंग के लिए स्पेगनम मोस्ट क्लास काम में लेते हैं देखो जो लेयरिंग मेथड होती है लेयरिंग वो लेयरिंग जिसे हम लोग दाब विधि भी कहते हैं प्रवर्धन की लेयरिंग मोटी मोटी छह तरीके की होती है एक तो होती है सिंपल लेयरिंग एक होती है कंपाउंड लेयरिंग एक होती है टिप लेयरिंग और एक होती है ट्रेंच लेयरिंग इन चारों में से कभी भी कोई क्वेश्चन आता नहीं जहां से प्रश्न आता है उनमें से एक है अपनी एयर लेयरिंग तो एयर लेयरिंग को हम लोग किस नाम से जानते हैं वायुदाब के नाम से जानते हैं मार्कोटेज के नाम से जानते हैं चाइनीज लेयरिंग के नाम से जानते हैं इस लेयरिंग में हम एक्चुअली शाखा को झुकाते नहीं है जो हवा में ही शाखा होती है उस हवा में जो शाखा होती है उसी पे हम लोग क्या करते हैं लेयरिंग कर देते हैं जिसमें हम एक पेंसिल आकार की शाखा की छोटी सी छाल छाल को यहाँ से हटाते हैं उसके ऊपर हम लोग इस मॉस घास को लपेट करके पॉलीथीन से हम लोग बिल्कुल बांध देते हैं जैसे ही जो है इस पॉलीथीन के अंदर आप देखोगे यहाँ से जो भाग से आपने छाल हटाया है वहाँ पर जड़ें फूट जाएगी और उसके बाद में ये नया पौधा तैयार हो जाएगा इसे हम एयर लेयरिंग कहते हैं हम यहाँ पर लपेटने के लिए स्पेगनम मोस ग्रास ही क्यों काम में लेते हैं क्योंकि इसकी जल अवशोषण क्षमता अधिक होती है या जल धारण क्षमता अधिक होती है उसके कारण होता क्या है जल धारण क्षमता के कारण जल धारण क्षमता अधिक होने के कारण एक बार इस घास को भिगाने के बाद में ये जो है बिल्कुल महीने दो महीने तक गीला रहता है और गीले माहौल में ही हमेशा जड़े फूटती है तो प्रश्न आप समझ गए तो स्पेग्नम मोस ग्रास हमेशा एयर लेयरिंग के अंदर काम लिया जाता है

बाकी हम आजकल इसको अनार और अमरूद में भी काम में लेते हैं ठीक है बेटा गुड आप सभी अगर अभी क्लास में आए हैं तो इस क्लास को देखो आते ही आप लोगों को एक तो लाइक करना और जब क्लास को छोड़ो उस समय आपको कोई कोई जो है इसमें कमेंट करना है ठीक है अगर आपको क्लास ठीक लगती है तो कमेंट और कोई सुधारात्मक क्या हम सुधार करना चाहिए वो सभी बातें और इसको शेयर करना चाहिए ये एक स्टूडेंट का कर्तव्य होता है ठीक है बेटा चलो भैया आगे रोजा डोमेसिना में तेल की मात्रा कितनी होती है गुलाब की एक प्रजाति है उसका नाम है रोजा डोमेसिना इसमें तेल या असेंशियल ऑयल की मात्रा कितनी होती है 0 0 0 .01 0.5 पॉइंट फाइव परसेंट जीरो परसेंट जीरो पॉइंट और 0.05 परसेंट तो आपको यह बताना है कि द ऑयल परसेंट इन रोजा डोमेसिना इज इस। तो इसका यह प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट है यस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है किस तरीके का प्रश्न आएगा एक तो यह आपके सामने लिखा हुआ भैया उसी तरीके का प्रश्न आता है ये सेम क्वेश्चन फूड सेफ्टी ऑफिसर दो हज़ार जो तेईस चौबीस का पेपर था उसके अंदर ये प्रश्न आ रखा है तो आप सभी लोग डी ऑप्शन बच्चों का आ रहा है धीरज मीणा शिवानी नीरज तो रोजा डोमिसना एक्चुअली हम पता किसे कहते हैं रोजा डोमिसना वास्तव में यह चेती गुलाब का नाम है रोजा डोमिसिना को हम चेती गुलाब कहते हैं इसी को आप लोग बिल्कुल दमश्क गुलाब भी कह सकते हो और बिल्कुल आप लोग ज्यादातर बच्चे उत्तर सही दे रहे हैं जीरो पॉइंट जो है वो करेक्ट आंसर है तो जीरो पॉइंट जीरो का मतलब लगभग चार हजार से लेकर के पांच हजार जो केजी फूल होते हैं चार हजार से पांच हजार किलो फूल उनसे एक किलो तेल की प्राप्ति होती है और ये रोजा डोमेसिना जो है इसको चेती गुलाब या दमश्क गुलाब के नाम से जानते हैं राजस्थान में हालांकि इसकी सबसे ज्यादा खेती तो अजमेर में ही होती है लेकिन इसकी खेती के लिए एक प्रसिद्ध जगह है वो अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है वो है आपका नाथ द्वारा जो राजसमंद जिले के अंदर जो बच्चों नाथ द्वारा जगह है नाथ द्वारा और इसी नाथ द्वारा को हम लोग जो है इसके आसपास, जैसे खमनौर है जैसे कि हल्दी घाटी है खमनौर हल्दी घाटी ये वाला जो इलाका है राजसमंद जिले में पड़ता है राजसमंद ये राजसमंद जिले के अंदर जो है ये जगह बहुत फेमस है चेती गुलाब के लिए चेती गुलाब सुगंधित होती है जंगली प्रजाति है इसलिए सुगंध की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है आदित्य गुड इवनिंग बहुत स्वागत है अभी एक सुपरवाइजर यूनिवर्सिटी का हुआ था उसमें प्रश्न आया था कि कहाँ होती है तो उसमें नादवारा ऑप्शन था कई बार खमनोर या हल्दीघाटी भी आती है या उदयपुर से हम जाते हैं तो 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है बस 40 किलोमीटर यहाँ से ठीक है इस चेती गुलाब की कुछ किस्में भी हैं जैसे कि एक इसकी किस्म नूर जहाँ है ना बेटा एक इसकी किस्म रानी साहिबा जो सी के एग्जाम में प्रश्न आया था एक इसकी वैरायटी को कहते हैं रानी साहिबा और एक इसकी वैरायटी है हिमरोज़ है ना हिमरोज़ हो गई जैसे कि इसकी वैरायटी है ज्वाला ये किस्में चेते गुलाब की है चेत गुलाब का नाम क्या होता है यूँ भी आ सकते हैं अब यहाँ प्रश्न का एक स्तर यह है कि जो नॉर्मल गुलाब होता है उसमें तेल की मात्रा 0.03 से 0.04 तक होती है परंतु इस प्रजाति में सबसे ज्यादा होती है। इसलिए प्रश्न पूछ रखा है, तो पहले एक प्रश्न भी पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गुलाब की प्रजाति में तेल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है तो तेल की मात्रा सबसे ज्यादा होती है रोजा डोमेसी नाम है समझ गए होंगे आप लोग तो ये सभी बातें आप लोग लिख लेना बहुत काम की ठीक है थीके? रोहित जय श्री राम एंड बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को गुड इवनिंग नमस्ते कीर्ति एंड रोहित एंड आदित्य एंड रिया एंड एवरीबडी जितने भी बच्चे जुड़े हैं आपका बहुत स्वागत अगला प्रश्न आप समझे काफी चीजें और बताऊंगा काम की बागवानी में मोरीबाना और मोरीमोना है गार्डन लेआउट है लोन की व्यवस्था है हेज की शैलियां हैं या पुष्प सज्जा है मोरीबाना एंड मोरीमोना इन गार्डनिंग आर गार्डनिंग लेआउट्स आउट लोन अरेन्जमेंट स्टाइल ऑफ हेज एंड फ्लावर अरेंजमेंट

गार्डनिंग ऑफ हिस्ट्री हिस्ट्री की गार्डनिंग की भी जो है एक तरीके से अपने हिस्ट्री है ठीक है चलो भैया आगे हम लोग देखते हैं कपिल राम लामलोड बिल्कुल ठीक बात है तो राइट आंसर इसका क्या है पुष्प सज्जा यानी कि फ्लावर अरेंजमेंट साथियोंक्चुअली मोरीबाना मोरी मोना यह एक तरीके से फ्लावर अरेंजमेंट है ये जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट है ये एक तरीके से जापानीज पुष्प सज्जा है जापानीज पुष्प सज्जा जो होती है उसको खास कर हम लोग कहते हैं उसको कहते हैं बाना एक्चुअली जो सही शब्द जो बड़ा शब्द है कि जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट को क्या कहते हैं तो इक्के बाना कहते हैं बाना अलग अलग प्रकार का होता है मोरीबाना मोरीमोनो बाना मोरी वगैरह वगैरह लेकिन एक चीज़ और यहाँ ध्यान रखें कि मोरीमोनो जो होता है या मोरीमोना होता है इसमें फूल तो हम काम में लेते ही हैं इसके साथ में हम लोग फल भी काम में लेते हैं प्लस सब्जियाँ भी काम में लेते हैं सजावट में तो प्रश्न आता है कई बार कि ऐसा फ्लावर अरेंजमेंट जिसमें फूलों के साथ साथ फलों को और सब्जियों को भी काम में लिया जाता है उसे हम किस नाम से जानते हैं उसको हम लोग मोरी मोना कहते हैं मेरे हिसाब से आप लोग ये बात ध्यान रखेंगे एक फूल होता है उसका नाम है गुलदाउदी उस गुलदाउदी से जापान के अंदर दो फूलों की सजावटें बनाई जाती है एक को तो हम लोग कहते हैं सेन रिन सुकुरी एक को कहा जाता है सें रिन ठीक है सेंड्रिन सुकुरी एक हज़ार फूलों की सजावट होती है इस तरीके से तो एक हज़ार फूलों को सजावट करके इस तरीके से डिजाइन बनाई जाती है वो गुलदाउदी के फूलों से बनती है एक झरने जैसी संरचना बनाई जाती है उसको हम लोग जो है केसकेट के नाम से जानते हैं केस केसकेट तो कभी आ जाए कि जापानीज फ्लावर अरेंजमेंट सें रिन और केसकेट किस फूल से बनाए जाते हैं तो गुलदाउदी से बनाए जाते हैं ऐसा आप लोगों को ध्यान रखना बिल्कुल नीतम इंग्लिश फ्लावर अरेंजमेंट कपिल बहुत बढ़िया इसी प्रकार से विमल कुमार अभिषेक बहुत बढ़िया आप सभी लोग क्या आप लोगों को मजा आ रहा नहीं आ रहा सी की तैयारी आप कर रहे हो तो बहुत ध्यान से करना अभी टाइम कम है और जो लोग आपको ये कहते हैं कि दो महीने में तैयारी संभव नहीं है वो झूठ बोल रहे सफ़ेद तरीके से ठीक है ना मैं आपको पूरा विश्वास दिला रहा हूँ मैं कई सारे ऐसे बच्चों को जानता हूं जो क्रेश कोर्स में एक डेढ़ महीने की तैयारी में अच्छे कॉलेज में गए हुए हैं यहां तक कि उदयपुर के आर कॉलेज में भी हर साल क्रेश कोर्स में बच्चों का आरसीए में सिलेक्शन होता है आप इस बात का ध्यान रखना इसलिए कभी भी दिमाग में ये चीज मत रखना कि क्रेश कोर्स में होगा या नहीं होगा इस तरीके की, की नकारात्मकता से दूर रहना और उस टाइम का बिल्कुल सदुपयोग करना बच्चों नेक्स्ट मूल्य का आकाशीन विकार किसके कारण होता है तो मूली में जो देहिक विकार होता है आकाशीन उसके पीछे तो आकाशीन डिसऑर्डर ऑफ रेडिस इज ड्यू टू तो ये किसके कारण है बोरोन डेफिसियंसी यानी बोरोन की कमी बोरोन की अधिकता यानी बोरोन की बोरोन टॉक्सिसिटी या बोरोन विषाक्तता मोलिपडेनम की कमी यानी मोलिवडेनम डेफिसियंसी मोलिपडेनम की विषाक्तता यानी मोलिवडेनम टॉक्सिसिटी देखो मैंने आपको पहले ही कहा था कि दैहिक विकार वाला चैप्टर अच्छा और खास है इंपॉर्टेंट है ठीक है ना इसी तरीके से सर मैं नहीं लेती वो क्लास कौन सी क्लास आप लोग नहीं लेते हो ठीक है बिल्कुल पॉसिबल नीरज बिल्कुल एवरी इज़ पॉसिबल है तो गुड इवनिंग सभी को बहुत अच्छे तरीके से आप लोग कंटिन्यू पढ़ रहे हैं राज इसी प्रकार से जो है पायल इंडिया में जो है फ्लावर कम हो गए हैं जो जापान में फ्लावर पड़ रहे हैं अरे जो इंडिया के फूल भी हैं और जापान के फूल भी हैं गुलदावदी एक तरीके से क्या जापान का राष्ट्र फूल है ना तो जो बातें जापान की होती वो भी बतानी पड़ती है कि नहीं तो हमारे फूल भी हैं विदेशी फूल भी हैं तो पूरी दुनिया एक ही एक है है ना तो कई सारी चीज़ें अगर हम ऐसे हाथ खड़ा कर देते कि भाई पपीता तो भारत का उत्पत्ति पपीता का भारत जैसे कई सारे पौधे ऐसे हैं जिनका मैं जिनका जो है भारत उत्पत्ति नहीं है बाहर से आए हुए हैं तो हम ऐसे ये थोड़ी कह सकते हैं कि भाई के जो है ये बाहर के फल हम तो नहीं खाएंगे ऐसे ठीक है ना तो ऐसे थोड़ी होता है बच्चों आपका कमेंट आ रहा ए आ रहा ज़्यादातर बच्चों का तो आकाशीन करके जो देख विकार होता है वो बोरौन की कमी होता है कमी से होता है ये प्रश्न जोबनेर यूनिवर्सिटी के सॉरी टेक्निकल असिस्टेंट में क्वेश्चन आया है सुपरवाइजर मनी टीए के अंदर तो एक्चुअली मूली के अंदर जो देख विकार होते हैं वो खाली तीन है बस मूली में एक अच्छा वाला देख विकार है उसको बेटा हम लोग पीथीनेस के नाम से जानते हैं मूली में एक देख विकार को हम लोग आकाशीन के नाम से जानते हैं मूली में एक देख विकार होता है जिसे हम लोग ब्राउन हर्ट के नाम से जानते हैं ब्राउन हर्ट और ये तीनों ही एग्जाम में पूछे जाएंगे पीथीनेस के अंदर मूली अंदर से थोड़ी सी खोखली या स्पोंजी टाइप की हो जाती है ऐसा इसलिए होता है या तो आप लोग समय पे इसकी तोड़ाई नहीं करते हो एक तो देरी से तोड़ाई के कारण होता है या फिर एक होता है अधिक तापमान के कारण अधिक तापमान अगर बेटा आप लोगों को ऐसा कोई कथन पूछे सीवीटी में जैसे कथन आया कि मूली का मुख्य देख विकार जो है वो पीथीनेस है और ये बीमारी सर्दियों के मुकाबले गर्मी में ज्यादा होती है तो ये कथन सही है क्योंकि ये इसका मुख्य कारण जो है अधिक तापमान है तो अधिक तापमान गर्मियों में मिलता है तो ये आपका बिल्कुल सही है दूसरा आकाशीन जो होता है उसमें जड़ों की वृद्धि रुक जाती है और ये बोरोन की कमी से होता है ब्राउन हर्ट का मतलब मूली जो होता है वो मूली बीच में से आपका जो है ब्राउन ब्राउन हो जाता है ये भी बोरोन की कमी से होता है मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये ध्यान रखेंगे मूली की बीज दर नौ से बारह किलोग्राम होती है और ये एग्जाम में आता है प्रश्न मूली की किस्में दो प्रकार की होती है एशियन वेराइटीज़ और आपकी यूरोपियन किस्में एशियन किस्मों को हम लोग उष्णीय किस्में कहते हैं और यूरोपियन को हम लोग शीतोषणीय कहते हैं ठीक है एक किस्म याद रख लो खाली एक उसका नाम है पूसा चेत की पूषा चेत की एक ऐसी किस्म है मूली की जो एशियन प्रकार की है और इसको हम लोग मार्च महीने से लेकर के अगस्त महीने तक लगाते हैं गर्मी में लगाने के लिए फेमस है पूसा ठीक है चलो आगे हम लोग बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर रहेगा इस प्रकार से रैंक बूस्टर क्रैश कोर्स जेट न्यू स्टार्ट टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर जो कि आज है तो आप में से जो भी बच्चे क्रेश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं जेट सी में तो आप सभी का जो है बच्चों बहुत स्वागत है आप लोग अपनी तैयारी को अच्छा करने के लिए क्रेश कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं डेफिनेटली ठीक है हाँ तो ये क्रेश कोर्स में आपको रॉयल में मिलती है बेस्ट फैकल्टी आपको मिलेगी साथियों जैसा कि आप लोग सभी को जानते ही होंगे अब तो यूट्यूब पे लगभग सबकी डेमो क्लासेस वगैरह होती रहती हैं यहाँ आपको जो भी क्लास होती है वो रिकॉर्ड भी वापस मिल जाती है मतलब लाइव में नहीं ले पाए तो रिकॉर्ड मिल जाएगी सभी की फोर के आपको पेनल एल पी भी देखने को आपको मिल जाएगी जो भी ये बोर्ड पर मैं लिख रहा हूँ ये बाद में जो है आपकी सेव होकर के ऐप पर डाउनलोड हो जाती इसी प्रकार से आपको जो है बिल्कुल लगातार जो है टाइम पे टेस्ट होंगे और टेस्ट सीरीज का जो है आपको फायदा मिलेगा आप एग्जाम से पहले टेस्ट सीरीज दे पाओगे ठीक है तो इतने सारे जो है फायदे होते हैं ठीक है नीरज समीर सर की भी क्लास लगवाएंगे क्योंकि अभी क्या है कि वो क्रेश कोर्स के कारण सभी लोग बिजी चल रहे हैं निम्नलिखित विटामिन में से कौन सा एक प्रतिरक्त श्रावी है विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज एंटी हेमोरजेनिक आपका जो है एंटो एंटी हेमर्जी कौन सा है इसमें आपको यह प्रश्न इसलिए आपको थोड़ा सा याद रखना है कि यह प्रश्न एओ के एग्जाम में आया हुआ है अब वैसे तो आप लोग सारे विटामिन जानते हो इसका सही उत्तर विटामिन ए विटामिन सी विटामिन ई e और विटामिन के तो आपका जो है प्रति रक्त का मतलब ऐसा है जो आपके ब्लड जो आपका ब्लड का क्लोट होता है उसको रेगुलेट करने का काम करता है इसमें सही उत्तर क्या हो जाएगा ए में भी मेरी क्लास होगी बहुत जल्दी होगी अभी थोड़ा क्रेश कोर्स में बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है तो जहाँ जहाँ पर भी मेरा कोर्स है सब में क्लास होगी ठीक है तो प्रिया मीणा अनु एंड सभी बच्चे डी ऑप्शन यहाँ पर दे रहे हैं देखो जहाँ पर भी ब्लड से संबंधित जो है बात आपकी होती है वहाँ पे जो है रक्त का थक्का बनने की बात होती है वहाँ पे विटामिन के जो है आपका तो प्रति रक्त विटामिन कौन सा है तो विटामिन के है आपको ध्यान रखना विटामिन के जो होता है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं इसको हम लोग कहते हैं फाइलोक्विनोन। इसको कहा जाता है बेटा फाइलोक्विनोन के नाम से हम लोग एक्चुअली और विटामिन सी को हम लोग एस्कोर्बिक एसिड के नाम से जानते हैं एस्कोर्बिक एसिड तो एस्कोर्बिक एसिड हम लोग कहेंगे विटामिन सी को और विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं या फिर इसे हम लोग जो है कई बार केरोटीन के नाम से भी जानते हैं विटामिन A जो होता है सॉरी विटामिन ई e जो होता है इसे हम लोग टोकोफेरोल के नाम से भी कहते हैं बेटा टोकोफेरोल और इसी को हम लोग जो है एक तरीके से एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं मतलब बंध्यता रोधी कई बार ये भी पूछे आपको कि बंध्यता रोधी विटामिन कौन सा है तो बंध्यता रोधी जो विटामिन है वो आप लोगों का विटामिन ई e है विटामिन सी के स्रोत में बारबेडोस चेरी पहले नंबर पर है दूसरे नंबर पर आप लोगों का आंवला है तीसरे नंबर पे आप लोगों का जो है अमरूद है ऐसा आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए ठीक है बेटा अच्छा पढ़ रहे हो बाकी अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों आपके सामने रहेगा निम्नलिखित में से किस पौधे में चिप्पी कलिकाइन या चिप बडिंग की जाती है गुलाब में अंगूर में चाइना रोज में रबर में विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट इज द ये जो है इंग्लिश इसकी थोड़ी सी उल्टी पुलटी आप लोग तो हिंदी में ही देख लो कि चिप बडिंग हम लोग किस में करते हैं आपको सही उत्तर देना है अब देखो बडिंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट चीज होती है और बडिंग से भी बहुत सारी बातें पूछी जाती है कई चीज़ें हैं मैं आपको और भी इसके साथ में दो तो चार पॉइंट बताऊंगा पीयूष पाटिल सर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में 240 आ रहे हैं सिलेक्शन हो जाएगा क्या देखो इस बार क्या है एक्चुअली यार बात ऐसी है चांस है 140 आ रहे हैं तो अच्छी बात है लेकिन यू है कि भाई क्या इस बार क्या सीट कम थी नंबर ऑफ शीट कम होने के कारण हुआ ये कि इस बार शीट कम है इसलिए कह नहीं सकते हैं कि सिलेक्शन किसका होगा और किसका नहीं होगा बाकी अगर 240 नंबर आ रहे हैं तो चांस पूरे हैं ठीक है थीके? तो कपिल अनु बच्चे लोग सेकंड आंसर दे रहे हैं शाबाश अभिषेक चौधरी कपिल वेरी गुड देखो बेटा तो चिप्पी बडिंग जो है आपका चिप बडिंग होती है वो हम लोग करते हैं अंगूर में देखो बडिंग अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रक्रिया होती है चिप बडिंग उसमें करते हैं जिसमें हम लोग छाल को अलग से मतलब हटा नहीं पाते हैं जैसे हमने इसमें क्या करना है बच्चों हमें इसमें करना ये है अंगूर में अंगूर में क्या एक्चुअली जो छिलका रहता है मतलब जो छाल रहती है वो लकड़ी के चिपकी हुई सी रहती है तो हम छाल को हटा नहीं पाते तो हम क्या करते हैं उसमें पूरी की पूरी चिप को हटा लेते हैं और फिर जो भी किस्म हम विकसित करना चाहते हैं उसकी भी इसी आकार में हम लोग चिप लेकर के आते हैं उसको हम लोग जो है इस तरीके से चिप है आपकी वो चिप मतलब बड के रूप में चिप ले आते हैं उस चिप को यहाँ पे हम लोग फंसा देते हैं और इसमें बढ़िया तरीके से हम लोग चिप को फंसाते हैं और उसके बाद में यहाँ से फूटना पौधा स्टार्ट हो जाता है इसको ऊपर से यहाँ से काट देते हैं इसको चिप बडिंग कहा जाता है ये अंगूर में की जाती है हालांकि अंगूर में प्रवर्धन की व्यवसायिक विधि तो हार्ड वुड कटिंग ही होती है हार्ड वुड कटिंग यानी जो कठोर कास्ट कलम होती है वो ही जो है इसमें आपकी व्यवसायिक प्रवर्धन की विधि होती है बडिंग कई तरीके की होती है एक होती है रिंग बडिंग तो रिंग बडिंग जो फेमस है बेटा वो रिंग बडिंग बेर के अंदर फेमस है आप लोग जानते होंगे अच्छे तरीके से आपने पेच बडिंग का नाम सुना होगा तो पेच बडिंग किस किस में फेमस है साथियों तो पेच बडिंग जो की जाती है वो आपके की जाती है आंवले के अंदर पेच बडिंग की जाती है बच्चों बिलपत्र के अंदर और पेच बडिंग की जाती है जामुन के अंदर इसी प्रकार से हम लोग बात करें एक होती है टी बडिंग टी बडिंग का दूसरा नाम होता है शील्ड बडिंग तो टी और शील्ड बडिंग किसमें करते हैं गुलाब में बहुत फेमस से प्रश्न आता ही जाता है इसी प्रकार से माल्टे में और मेंडेन संतरे के अंदर भी जो है टी बडिंग की जाती है मेरे हिसाब से आप लोगों को ये बात पहले से पता होगी ठीक है तो ये सभी बातें जो है बिल्कुल ग्रेप में आपको जो है बिल्कुल जो है मालूम जो है बिल्कुल इसी तरीके से पता नहीं धीरज क्या बोल रहे धीरज बिल्कुल जो है पायल शर्मा ठीक है नाम इतने अजीब क्यों होते हैं सर इन सब के नाम इतने अजीब क्यों होते हैं कौन से नाम इतने अजीब हैं ये नाम सरलित है अपनी भाषा देखो ये जो हिंदी है ये अपनी ही भाषा होती है ठीक है ना कोई भी नाम अटपटा नहीं होता नाम अटपटा लगने के पीछे कारण है नाम अटपटा इसलिए है रे बेटा कि भाई आप लोग अगर रेगुलर नहीं पढ़ते हो ना तो ये चीज़ें आप लोगों को अटपटी लगेगी परंतु अगर आप रूटीन में हो रेगुलर चीज़ों के टच में हो तो आपको अटपटी नहीं लगेगी अच्छी लगेगी ठीक है ना तो इसलिए जिनको भी अटपटी लग रही है उनसे रिक्वेस्ट है कि आप रोज़ पढ़ते रहें चीज़ों को रोज पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा ऐसा नहीं होगी एग्जाम में आपको अटपटी लगे उससे पहले की एग्जाम से पहले आपको अटपटी लग जाए तो एग्जाम में नहीं लगेगी है कि नहीं गुड चलिए बेटा नेक्स्ट तय मानकों के आधार पर फल पानक यानी कि स्क्वेश में कम से कम फलों का रस या फिर गुदा कितना होना चाहिए जीरो पॉइंट पांच प्रतिशत पंद्रह से बीस प्रतिशत पांच से दस प्रतिशत बीस से तीन प्रतिशत कितना बढ़िया प्रश्न कौन आंसर देता है देखे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड्स फ्रूट स्क्वेन्ट एट डैश फ्रूट जूस और पल्प नाम सुना होगा पानक का स्क्वेस का तो उसमें कम से कम फलू का भाग या फलू का गुदा कितना होना चाहिए ठीक है नीरज वेरी गुड के हॉर्टिकल्चर फेवरेट बहुत अच्छी बात है बच्चों मजा आता हॉर्टिकल्चर पढ़ाने में भी मजा आता है अच्छे जिज्ञासु बहुत बच्चे होते हैं ना तो और जो है मजा आ जाता है पढ़ाने में ठीक है ना तो हरिओम कपिल पूनम एंड जो है बच्चे ऋषभ शाबाश बच्चों का सेकंड आंसर यहाँ पे आ रहा है तो ज़्यादातर बच्चे यहाँ पे जो है दो उत्तर दे रहे हैं बहुत बढ़िया आप लोग बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हो शाबाश प्रयास करने के कोई भी पैसे नहीं लगते हैं हालांकि प्रयास तुम गलत कर रहे हो क्योंकि दो तो होगा नहीं है सही उत्तर होगा इसका आपका पच्चीस से या आपका जो है बीस से तीस परसेंट क्योंकि बच्चों स्क्वेश जो होता है ना स्क्वेश एक तो होता है स्क्वेश और एक आपने नाम सुना होता तो होता कोर्डियल मेरे हिसाब से स्क्वेश और कोर्डियल से बहुत प्रश्न आते हैं इन स्क्वेश में और कॉर्डियल में जो फल का भाग होता है दोनों में ही फल का भाग 25% परसेंट कम से कम होना चाहिए तय मानक तय मानक कौन तय करता है एफ जो है आपका एफ एसो आपका जो आ, फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर है ना एप पी ओ उन्नीस उसके आधार पर सभी में मानक तय हो रखे हैं ज्यादातर बच्चों ने बे उत्तर दिया गलत दिया कोई बात नहीं है तो कम से कम फलों का बाघ 25 परसेंट होना चाहिए तो 25 वाला ऑप्शन किधर है आपका 20 से 30 इसमें हालांकि इनमें टीएसएस भी पूछा जाता है टोटल सोलुबल सोलिड तो जो स्कोश होता है उसमें लगभग 40 या 40 से 50 प्रतिशत टीएसएस होना चाहिए और कोर्डियल के अंदर तीस परसेंट टीएसएस होना चाहिए कम से कम अब आप देखोगे कोर्डियल बहुत बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन होता है इसीलिए कहा जाता है बेटा इसीलिए कहा जाता है कि कोर्डियल एक तरीके से स्पार्कलिंग क्लियर होता है स्पार्कलिंग स्पार्कलिंग क्लियर जूस मतलब प्रश्न एग्जाम में क्या आता है कि निम्न में से कौन सा जो है एक तरीके से स्पार्कलिंग क्लियर जूस है बिल्कुल नीट एंड क्लीन होता है तो यह आपका कोर्डियल होता है बाकी इन दोनों में ही फल का भाग पच्चीस टका होना चाहिए ठीक है गलत दिया कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है बिल्कुल सही बात है ठीक है क्या फ़ायदा जब चंडीगढ़ मेयर चुनाव फालतू की अपने को कोई बात नहीं ये देखो एक क्रेजी कार्टून नाम तुमने बिल्कुल सही लिखा बेटा क्रेजी कार्टून नाम तो तुम्हारा वास्तव में कार्टून सही लिखा बेटा अब बीच में तुम्हारे चंडीगढ़ के मेयर का क्या ही लेना देना इस क्लास में आपस में कोई भी बात अपने को ऐसी नहीं करनी रहती ठीक है आंसर बिल्कुल अब हम लोग जो आंसर दे उसका नाम लिया करो मैं आंसर देने वालों का नाम ले रहा हूँ ट्रेक ठीक है ना ठीक है पायल शर्मा हॉर्टिकल्चर वाले सर भी हमारे फेवरेट है बिल्कुल बहुत बढ़िया आप भी बच्चे जो है हम सब जो है आप सभी बच्चे हमारे फेवरेट हो ठीक है तो मजा आता है बच्चों को पढ़ाने में हॉर्टिकल्चर आप लोगों की अच्छी हो जाए मेरा यह प्रयास है लेकिन शर्त ये है कि आप लोग जो हैं सभी इस क्लास में रेगुलर बने रहें रेगुलर बने रहेगा मतलब आपको क्लास मिस नहीं करनी मेरी क्लास वैसे तो सही टाइम पे होगी लेकिन फिर भी आप लोग देख सकते हो थंबनेल तो देखते ही हो नोटिफिकेशन आता है शेयर करते हैं क्लास को चलो भैया अब हम लोग बढ़ रहे हैं आगे निम्नलिखित में से कौन सा फल कार्बोहाइड्रेट का सबसे धनी स्रोत है कार्बोहाइड्रेट का सबसे धनी स्रोत कौन सा है खजूर बेल केला सरिफा इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ये थोड़ा जो है इंग्लिश ने ऊपर नीचे कर दी कोई बात नहीं ठीक है राज एंड हेमराज बहुत बढ़िया ठीक है इसी प्रकार से आप सभी उत्तर देंगे जैसा कि चार उत्तर दे रहे बच्चे डी ऑप्शन दे रहे हैं तो निम्नलिखित में से कार्बोहाइड्रेट का सबसे अच्छा सोर्स कौन सा है ऑप्शन तो आपको दे ही रखे बच्चे जो है डी ऑप्शन दे रहे हैं कुछ यहाँ पे सी उत्तर आ रहा है नीरज एंड विक्रम एंड अनु मोटिवेशन गुरु बहुत बढ़िया शाबाश जीत राम एंड अभिषेक एंड सोनू एंड कपिल एंड गुड स्टूडेंट्स राइट आंसर इसका अलग अलग तरीके से दे रहे हो लेकिन इस ऑप्शन में जो सही उत्तर होगा वो खजूर होगा देखो कार्बोहाइड्रेट जो होता है कार्बोहाइड्रेट वो कार्बोहाइड्रेट इस प्रकार से देखो इसके स्रोत में बताता हूं इस प्रश्न को गलत मत क्या करो ये प्रश्न ए के फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट तो एक्चुअली होता है रेजीन में रेजीन हम लोग कहते हैं किसमिस को तो सबसे ज्यादा किसमिन दूसरे नंबर पे सूखी हुई खुबानी होती है उसे हम कहते हैं ड्राई एप्रिकोट तो ड्राई एप्रिकोट में सेकेंड नंबर पे तीसरे नंबर पे होता है खजूर के अंदर उसके बाद में कई सारे स्रोत होते हैं तो केला भी इसी के अंदर एक होता है तो अब इनमें परसेंट भी अगर आपको याद रखने हो तो रेजिन में रेजीन मेंसेंट होता है ड्राई में में लगभग लगभग होता होता है खजूर में 67 होता है खजूर और केले के अंदर सत्ताईस परसेंट होता है तो हालांकि कभी पूछे कि भाई केला किसका अच्छा स्रोत है तो केला भी कार्बोहाइड्रेट का है लेकिन इस प्रश्न को देखते हुए सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका खजूर या डेट पाम आपका यहाँ पर जो है राइट आंसर हो जाएगा आपको कभी कोई पूछे कि सबसे ज्यादा प्रोटीन किसमें होता है तो सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है वो होता है काजू के अंदर दूसरे नंबर पे बादाम में होता है ठीक है गुड तो इसी प्रकार से आपको पूछे कि वसा या फिर फेट सबसे ज्यादा किसमें होती है तो फेट सबसे ज्यादा जो होती है वो अखरोट के अंदर होती है अखरोट को अंग्रेजी में वॉलनट कहते हैं वॉलनट और वॉलनट से आपको याद रखना है फेट वसा वॉलनट ऐसे याद आ जाएगा वसा वॉलनट वसा वॉलनट वसा ठीक है ना तो शशि बिल्कुल केले में भी होता है तो केले में लिख दिया मैंने परसेंट भी लिख दिया तो आपको समझ में आ जाएगा कि सत्ताईस ही सी होता है खजूर में सतसठ होता है तो सतसठ ज़्यादा है कि सत्ताइस ज़्यादा है है कि नहीं बहुत बढ़िया तो नितेश हरिओम शशि बहुत बढ़िया राहुल आप लोग बिल्कुल अच्छी तरीके से इंटरेस्ट दिखा रहे हो जेट का पेपर दो जून को होना है आज दो अप्रैल है तो दो अप्रैल से मई और जून दो महीने आप लोगों के पास अगर आपने दो महीने अच्छे काम में ले लिए फिर आप लोग मेरे को फ़ोन करोगे सर सुपरवाइजर की तैयारी या फिर रॉयल में फोन करोगे आप कि भाई सर सुपरवाइजर की तैयारी कैसे करें डबल की तैयारी कैसे करें ए की तैयारी कैसे करें अगर आपने ढंग से मेहनत नहीं की तो अगले साल फिर से आप फोन करोगे कि सर जो है हम जेट सी की तैयारी कैसे करें तो प्यारे बच्चों आपको ये समझना है कि आपको एडवांस या आगे लेवल में जाना है इस इसी चीज़ को वापस अगले साल भी रिपीट करना है अगला प्रश्न सी फॉर्म फिलिंग डेट एक्सटेंडेड टिल फाइव अप्रैल टू मतलब सी में जो फॉर्म भरने की डेट है वो पाँच अप्रैल तक बढ़ा दी गई है तो जो भी बच्चों ने अभी तक सी ई टी का फॉर्म नहीं भरा है तो आप सभी लोग जो हैं बिल्कुल अभी आप सभी लोग जो है फॉर्म अगर आपने किसी ने नहीं भरा है तो डेफिनेटली पाँच तारीख तक अपने फॉर्म को भरें पहले कई बार ऐसा हो जाता है कि फॉर्म ही नहीं भर पाते हैं तैयारी करते हैं तो वो तैयारी किसी काम की नहीं रहती ठीक है बेटा चलो आगे सी ई टी का पेपर अभी उसकी एग्जैक्ट डेट नहीं है लेकिन आपका जो है पंद्रह से तीस जो है मई के बीच में होगा ऐसा कहा गया है तो डेट आते ही आप लोगों को रॉयल इंस्टीट्यूट के इंस्टाग्राम चैनल पे या फिर आपको रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पे अपडेट मिल जाएगा अगर अभी तक आप लोगों ने रॉयल इंस्टीट्यूट के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक तो सब्सक्राइब करो और एक इसका जो इंस्टाग्राम पेज है उसको भी आप लोग रॉयल वाले को फॉलो करो ठीक है बेटा चलो आगे बढ़ते हैं खजूर के पुष्प क्रम विघलन रोग का कारण क्या है तो जो खजूर में पुष्प क्रम विघलन होता है उसके पीछे क्या कारण है ठीक है द कॉजेज ऑफ इंफ्लोरसेंस रोट इन डेट पामेज कोजल ऑर्गेनिज्म कौन सा है फ्यूजेरियम मोगिनेला डिप्लोडिया और पीथियम इन चारों में से क्या सही उत्तर होगा ये प्रश्न भी फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में आया हुआ है हालांकि ग्रेड से कुछ फर्क नहीं पड़ता सभी सिंपल सिंपल क्वेश्चन है जो किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं राजस्थान की मुख्य फसल है खजूर तो बिल्कुल खजूर के प्रश्न आने की पूरी है खजूर के पांच पॉइंट आपको भी अच्छे वाले बताऊंगा ठीक है ना बिल्कुल विक्रम जो है इसी प्रकार से ठीक है बादाम में सभी तत्व पाए जाते हैं बिल्कुल पाए जाते हैं बादाम के अंदर हालांकि सेकंड नंबर पे प्रोटीन में भी सेकंड नंबर है और फैट के अंदर भी बादाम आपका सेकंड नंबर पे है ठीक है लेकिन ऐसे सारे तत्व उस बादाम के अंदर होते हैं ऐसी बात नहीं है ठीक है ना तो कपिल अनु अभी राज, एंड, आ, रोतास, वेरी गुड तो सभी साथी यहाँ पे आंसर देते हुए दिखाई दे रहे हैं बच्चों आप लोगों का उत्तर आ रहा बी तो खजूर में जो इन्फ्लोरसेंस रोट होता है इस इन्फ्लोरसेंस रोट के पीछे जो है आपका मोगीनेला नामक कवक होता है इसको मोगीनेला स्पीसी कहते हैं इसी पुष्पक्रम विगलन रोग का दूसरा नाम भी है इसे हम लोग खामेज रोग के नाम से भी जानते हैं और ये एक कवक है तो ये कवक से होने वाली प्रॉब्लम है खजूर के बारे में सर और कोई पॉइंट बताओ तो खजूर के बारे में पांच पॉइंट बता रहा हूं नंबर वन खजूर एक डायोसियस पौधा है डायोसियस को हम हिंदी के अंदर एक लिंगाश्रयी कहते हैं और एक लिंगाश्रय पौधे का मतलब होता है इस पौधे में नर और मादा अलग अलग पौधे पर होते हैं इसलिए यह डायोसियस प्लांट है दूसरी बात आपको यह ध्यान रखनी है स्टूडेंट्स इसमें दूसरा पॉइंट यह याद रखना है यह डायोसिस की समस्या पाई जाती है इसलिए इसमें हस्त परागण किया जाता है हस्त परागण को हम हैंड पोलिनेशन कहते हैं तो प्रश्न आएगा निम्नलिखित में से कौन सी फसल में हस्त परागण या फिर हैंड पोलिनेशन किया जाता है तो हैंड पोलिनेशन भी आपको यह बिंदु ध्यान रखना चाहिए दूसरा जो है ठीक है सर एक क्वेश्चन है आपकी क्लास देख रहे हैं बिल्कुल अच्छी क्लास है डेफिनेटली आपको सारे प्रश्न देखना और डेली देखना ठीक है गणेश जो भी बच्चे नए हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप रेगुलर क्लास को देखना बहुत फायदा होगा मैं कह रहा हूँ मजा आएगा आप लोगों को अच्छा इसी प्रकार से पिछली बार जेट के एग्जाम में खजूर का वैज्ञानिक नाम पूछा गया था जो कि होता है फिनिक्स डेग टाइली इसको कहते हैं फिनिक्स डेग टाइली मैं आप लोगों को एक प्रश्न पूछूं कि भाई खजूर में जो पकने की अवस्थाएं होती अलग अलग जैसे खजूर में पकने की चार अवस्थाएं होती एक होती है गंडोरा कीमरी दूसरी वाली होती है डोका खलल फिर आपकी जो है होती है डेंग या फिर रुताब और लास्ट वाली होती है पिंड या फिर टेमर भारत में हमेशा खजूर की तोड़ाई डोका अवस्था पे करते हैं विदेशों में तोड़ाई डेंग या फिर रुताब अवस्था पे करते हैं ठीक है तो ये पकने की अवस्था में भी हमें पता रहना चाहिए आगे बढ़ते हैं बंदेता रोधी विटामिन है अभी बताया था मैंने कि वंदेता रोधी या बंद्यता रोधक कौन सा है एंटी स्टेरिलिटी विटामिन इज साइनोकोबालेमिन या फिर से कोई नहीं। साइनो आपको बताया था रोधी कौन सा है यह प्रश्न आता रहता है ठीक है ना बहुत बढ़िया तो नितेश एंड अभी एंड सोनू एंड जो है साथी यहाँ सभी बच्चे अच्छा उत्तर देने का प्रयास कर रहे हैं आप सभी लोग बिल्कुल अच्छा अच्छा प्रयास ठीक है तो लगातार आप लोग अगर इस क्लास में बने रहे लगभग जो है रेगुलर ये क्लास होगी मेरा ये प्रयास रहेगा कि ये क्लास कभी बंद नहीं हो छः से सात जरूरत पड़ेगी तो हम सात से आठ भी ले लेंगे इसको तो जैसे टाइम टेबल रेगुलर लेना जेट तक तो कोशिश करेंगे जेट में एक भी प्रश्न बाहर से नहीं जाए ठीक है ना तो स्टूडेंट्स भी उत्तर आ रहा है तो विटामिन ई e जो होता है ना विटामिन ई e, उस विटामिन ई e को हम लोग एंटी स्टेरिलिटी विटामिन कहते हैं और उसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल प्यारे बच्चों आप ध्यान रखें अर्गोस्टेरोल या फिर कैल्सीफेरोल अर्गेस्टोरल अर्गोस्टेरोल या फिर कैल्सीफेरोल जो होता है वो विटामिन डी को कहते हैं विटामिन डी इसी प्रकार से विटामिन डी की कमी से होने वाले जो रोग हैं उसके अंदर ओस्टियोमलेशिया पहले नंबर पर पह है ओस्टियोमलेशिया जिसमें हड्डियों से संबंधित दिक्कत होती है इसी प्रकार से एक इसमें होता है रिकेट्स 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 के अलावा इसमें होता है पीजन चेस्ट रिकेट्स के अलावा पीजन चेस्ट तो ये सभी विटामिन डी की कमी से होती है विटामिन डी को अर्गस्टोरेल या कैल्सीफेरोल कहते हैं साइनोकोबाल विटामिन बी ट्वेल्व को कहते हैं जिसकी कमी से पर्नीसियस एनीमिया होता है आप लोग ध्यान रखना बच्चों प्रोटीन की कमी से जो प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग क्वास्योरकोर के नाम से जानते हैं क्वाश्योर कौर या मरसमस जो ज़्यादातर पूछा जाता है वो पूछा जाता है क्वाश्योरकोर विटामिन ए की कमी से जो होता है उसे हम लोग कहते हैं केरेटो मलेशिया या केरोटो मलेशिया तो केरोटो मलेशिया जो है वो विटामिन ए की कमी से होता है और ओस्टियो मलेशिया विटामिन डी की कमी से होता है इन दोनों में अपने को कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए ठीक है एक हेक्टर में कितने बीघा होते हैं देखो ये हेक्टर और बीघा वाला तो जो है थोड़ा सा इसमें राग है हेक्टर और देखो बीघा कोई प्रमाणित इकाई नहीं है बीघा जो है बिल्कुल रेवेन्यू में काम में नहीं आता है बीघा वाली जो यूनिट है वो अलग अलग जगह पे अलग अलग है जैसे एक हेक्टर में दस हजार मीटर स्क्वायर होता है ये हमें पता है लेकिन बीघा में हम बात करें तो कुछ जिलों में छह बीघा भी होते हैं कुछ में पांच भी होते हैं कुछ जिलों में चार बीघा भी होते हैं जो पटवारी वो लंबी वाली मापने की नहीं आती पटवारी की जरी बोलते हैं उसको तो पटवारी के जो जरी की लंबाई होती है ना तो किसी जिले में बड़ी होती किसी में छोटी होती उनका साइज फिक्स है जिसमें बड़ी होती है वहां चार बीघा है जिसमें थोड़ी ठीक होती है उसमें पांच बीघा जैसे उदयपुर इधर पांच से छह बीघा होता है एक हेक्टर के अंदर ठीक है ना तो ये आपका इसमें किसी भी गणित से आप लोग बीघा नहीं निकाल सकते ठीक है ना तो अभिषेक वगैरह नेक्स्ट क्वेश्चन मैदानी क्षेत्रों में ग्लेडियोलस लगाने का सर्वोत्तम समय कौन सा है भाई साहब ग्लेडियोलस का फूल कितना सुंदर फूल होता है आप सभी को ग्लेडियोलस का फूल कभी देखा हो तो मैदानी क्षेत्रों में यानी प्लेन रीजन में ग्लेडियोलस लगाने का सबसे अच्छा टाइम कौन सा है तो सबसे अच्छा टाइम फरवरी से मार्च है अप्रैल से जून है अगस्त से अक्टूबर है या दिसंबर से जनवरी है ये प्रश्न एग्जाम में आ रखा है

वो छह बजे हुई थी छे से सात अपने टाइम में ये टाइम आप लोग नोट कर लेना ठीक है तो कपिल एंड विक्रम एंड जो है प्रजापति सभी बच्चे यहाँ कमेंट कर रहे हैं साथियों इसका प्रश्न आप दे रहे हो आंसर दे रहे हो बिल्कुल तो इसका उत्तर वास्तव में अगस्त से आपका जो है अक्टूबर होता है अगस्त से अक्टूबर में आप इसको कभी भी लगा सकते हो दो फूल है एक तो ग्लेडियोलस है एक गुलदाउदी है और ग्लेडियोलस और गुलदाउदी को हम लोग सर्दी के मौसम में ही लगाते हैं हालांकि गुलदाउदी को जो हम लोग लगाते हैं वो हम लोग सेप्टेम्बर से अक्टूबर के आसपास आप लोग लगा सकते हो इस टाइम पे जो ये सीजन होती है इसको हम लोग ओटम सीजन कहते हैं उत्थं। ओटम और ओटम सीजन कहते हैं इसीलिए गुलदावदी जो होती है उसका दूसरा नाम है ओटम क्वीन तो कभी भी पूछे निम्न में से किस फूल को ओटम क्वीन के नाम से जाना जाता है तो ओटम क्वीन के नाम से किसे जाना जाता है तो ओटम क्वीन के नाम से जाना जाता है गुलदावदी तो को ग्लेडुलस का दूसरा नाम क्या है तो ग्लेडुलस का दूसरा नाम है सोर्ड लिली तो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे ध्यान रखना ठीक है तो कब बोएंगे अपन अगस्त से अक्टूबर <coughs> आपके एग्जाम में इस ग्लेडुलस का कुल पूछा जाएगा जो कि होता है इरिडेसी और इस ग्लेडुलस का फूल बहुत खूबसूरत होता है इसकी जो पूरी की पूरी जो बाली होती है उसे हम लोग स्पाइक कहते हैं तो कोई पूछे आपको कि ग्लेडलस का पुष्प क्रम क्या कहलाता है तो ग्लेडुलस का पुष्पम स्पाइक कहलाता है ग्लेडुलस का बिल्कुल नीतम बिल्कुल उदयपुर आ जाओ बिल्कुल स्वागत है सभी का ठीक है ना अब यहाँ देखें ग्लेडुलस का एक प्रश्न है कि ग्लेडुलस का व्यवसायिक प्रवर्धन किससे होता है तो ग्लेडुलस का व्यवसायिक प्रवर्धन कौम से होता है और कौम को हम लोग घनकंद के नाम से जानते हैं ठीक है ना तो अभी हमने इतनी सारी चीज़ें ग्लेडुलस के बारे में देखी ग्लेडुलस इतना सुंदर फूल होता है कि हम अगर किसी किसी को ये फूल देवें तो डेफिनेटली दोस्ती हो जाती है तो हम ऐसे याद रख सकते हैं इसकी वेरायटी है फ्रेंडशिप तो इसकी एक वेरायटी है फ्रेंडशिप तो फ्रेंडशिप का मतलब एक अच्छी वेराइटी है ग्लीडुलस की है इतना अच्छा इसका सुंदर सा फूल होता है ठीक है हितेश सर मैं हितेश हूँ स्टूडेंट आप याद कर रहे थे तो तुम तो आए नहीं थे आज क्लास में ठीक है शंकर साई क्या अरे मैं क्या कह रहा हूँ हितेश मैंने क्लास में पूछा था तुम तो आए नहीं थे आज तो लाइव क्लास में क्यों नहीं आए पहले तो तुम पहले कल आकर के कारण बताना उसके बाद में क्लास में आना तुमने कोर्स ले रखा तुम टाइम पे क्लास में आई नहीं और मेरी क्लास में नहीं आई है तो ठीक बात नहीं मेरी क्लास में तुम्हें आना चाहिए था ठीक है ना अच्छी क्लास होती है अपनी तो काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है अगर तुम एक क्लास को मिस करते हो तो बहुत नुकसान है उसका इसको मसालों की रानी भी कहते हैं है ना तो इट इज़ कॉल्ड क्वीन ऑफ स्पाइसिस लौंग इलायची जीरा धनिया लौंग को कहते हैं क्लोव कार्डामोम क्यूमिन कोरिएंडर तो मसालों की रानी किसे कहते हैं ऐसा प्रश्न जेट में आ सकता है सुपरवाइजर में पहले मसालों का राजा भी पूछा था जो कि मैं आप लोगों को अब बताऊंगा ठीक है अशोक ठीक है हरदीप रूपल इसी प्रकार से जो है निक एंड दिलकुश ना इसी तरीके से रोहताश एंड अनु एंड प्रिया यादव एंड विक्रम ट्राई करो देखिये राइट आंसर क्या होगा कमेंट करते रहो कंटिन्यू ठीक है तो बच्चे सेकंड यहाँ उत्तर दे रहे हैं प्री पीजी के लिए बेस्ट सीरीज प्री पी के लिए अपने रॉयल इंस्टीट्यूट की जेट की जो सीरीज जब बिल्कुल जेट के मतलब ये जो सीरीज अपनी चलेगी अभी एग्जाम के लिए टेस्ट सीरीज वो आप लोग सभी देना प्री पी वाले बच्चे तो इसका सही उत्तर तो देखो इलायची ही होता है इलायची का नाम होता है इलेटेरिया कार्डामोम इलेटेरिया कार्डामोम तो इलेटेरिया कार्डामोम जो है ये एक तरीके से इस इलायची का नाम होता है जबकि आपको कभी पूछे मसालों का राजा कौन सा है बेटा तो मसालों का राजा कौन सा है वो आप लोगों का होता है काली मिर्च काली मिर्च को ब्लैक पेपर कहते हैं उसका नाम होता है पाइपर नाइग्रम काली मिर्च को कहते हैं पाइपर नाइग्रम एंड इसी तरीके से बहुत सारे पॉइंट आप और जानना चाहो जैसे ऑप्शन के हिसाब से तो जो जीरा होता है इसको हम लोग क्यूमिनम साइमिनम कहते हैं क्यूमिनम साइमिनम देखो जो भी लिखा हुआ है क्यूमिनम साइमिनम इसी तरीके से जो धनिया होता है इसे हम लोग कोरिएंड्रम सेटाइवम कहते हैं कोरिएंड्रम सेटाइबम तो मेरे हिसाब से ये सभी बातें आप लोग ध्यान रखेंगे और जो भी नाम यहाँ लिखा हुआ है उसका वैज्ञानिक नाम तो आप याद करें तो ही मजा आता है और भी कई सारी बातें हमें जानने के लिए रहती हैं जो कि मैं आपको टाइम के साथ में अभी बताता रहूंगा चलिए अगला प्रश्न क्या होगा भारतीय बागवानी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है क्या बात है क्या बढ़िया क्वेश्चन आया तो इसे कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च इज लोकेटेड एट हसरगट्टा कर्नाटका बारापानी मेघालय कटक उड़ीसा शिमला हिमाचल प्रदेश तो ये जो आई आई एच आर है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चरल रिसर्च प्यारे बच्चों ये इंस्टीट्यूट कहाँ है दिल बिल्कुल जो है आप सभी का बहुत स्वागत है जो भी बच्चे लेट जुड़े हैं क्लास में स्टूडेंट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ प्रिया मीणा एंड अभिषेक एंड आप सभी बच्चे आप लोग क्लास में बच्चों टाइम पे आया करो बहुत काम की चीज़ें आप लोग मिस कर देते हो अगर टाइम पे नहीं आते हो तो इसका सही उत्तर आप लोग जैसा कि दे रहे हो कुछ ए दे रहे हैं कुछ बी दे रहे हैं स्टूडेंट्स तो जो आई आई एच आर है आई आई एच आर ये इंस्टीट्यूट हसरगट्टा बेंगलोर के अंदर है ठीक है ना ये इंस्टीट्यूट वास्तव में बहुत फेमस है आई ए आर आई के बाद में आई ए आर आई नई दिल्ली के बाद में सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करने वाला संस्थान है वो आई आई एच आर है यहां से कोई भी किस्म निकलती है उसके पहले अर्का शब्द लगता है है ना जैसे मैं आपको एक किस्म का नाम बताऊं आप लोग मेरे को बताना अर् रक्षक कमेंट करना अर्का रक्षक किसकी किस्म है और उसका क्या खासियत है मैं आपको दो तीन और इंस्टीट्यूट बताऊं जैसे कटक उड़ीसा में तो अपने को ज्यादा कोई लोड नहीं देना आपका जो सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी जो केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है वो कटक उड़ीसा के अंदर है बेटा मैं आपको एक संस्थान पूछता हूँ आप लोग मुझे बताना अनार का जो है राष्ट्रीय अनार अनुसंधान केंद्र कहाँ है वो आप लोगों का सोलापुर के अंदर है और सोलापुर महाराष्ट्र के अंदर है ठीक है ना मैं आपको इसी कैटेगरी के, के और बताऊँ जैसे ये प्रश्न में पूछा गया आई आई एच आर हसरगट्टा बेंगलोर एक है आई आई वी आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च जो कि वाराणसी के अंदर है और वाराणसी कहा है उत्तर प्रदेश के अंदर है सब्जी इसको कहते हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च टमाटर उत्तर दे रहे हो क्या बात है बिल्कुल टमाटर बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर है ठीक है ना टमाटर की बहु रोग प्रतिरोधी किस्म है जिसे हम लोग किस नाम से जान रहे हैं उसे हम लोग कह रहे हैं अर्कारक्षक ठीक है बेटा वेरी गुड हम बात करें दूसरा आई आई एस आर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ स्पाइसिस रिसर्च भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान जो कि कालीकट के अंदर है और कालीकट कहाँ पे है कालीकट है बच्चों केरल के अंदर ऐसा आप लोगों को स्टूडेंट्स ध्यान रखना चाहिए ठीक है तो इस प्रकार से इंस्टीट्यूट भी कोई ना को कोई आप लोगों को पूछा जाता रहता है तो आप लोग इंस्टीट्यूट का भी ध्यान रखना साथियों तो इस तरीके से हम लोग बात करें तो प्यारे बच्चों थोड़ा सा जो है टेम्परेचर का सेट कर देता हूँ ठंड लगने लगी साथियों अगला प्रश्न आपके सामने रहेगा इस तरीके से देखो कृषि पर्यवेक्षक में पूरे राजस्थान में जनरल कैटेगरी के, के अंदर पांच में से चार रैंक पहली दूसरी तीसरी चौथी देने वाला एकमात्र संस्थान तो एकमात्र तो है ही राजस्थान में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में ओम प्रकाश गोदारा की फर्स्ट रैंक त्रिलोक अहीर की सेकंड रैंक लोकेश प्रजापत माय बेस्ट फ्रेंड है मेरा बेस्ट फ्रेंड भी है ये मेरे साथ पढ़ा हुआ है इसी तरीके से अनिल पालीवाल की भी फोर्थ रैंक ठीक है ना इन चारों बच्चों का मैंने इंटरव्यू लेकर के रॉयल इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर डाल रखा है चारों बच्चों को ये माला भी हमने उसी दिन पहनाई थी देखो इनका फोटो वोटो तो हमने खींच रखा है ठीक तो है तो चारों बच्चे हैं और बिल्कुल जो है साथियों इसका कहने का मतलब ये है कि बेस्ट इंस्टीट्यूट है ठीक है ना बेस्ट इंस्टीट्यूट है रॉयल आप बिल्कुल जो है अच्छे से आप लोग यहाँ आकर के एडमिशन लीजिए अच्छी पढ़ाई कीजिए हम सपोर्ट करने को फुल तैयार हैं पैक्टिन परीक्षण किसके द्वारा किया जाता है पैकटिन टेस्ट इज डन बाई या पैकटिन इज डिटरमाइंड बाई जेली थर्मामीटर जेल मीटर लेक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जेली थर्मोमीटर जेल मीटर लेक्टोमी एंड हाइड्रो आपका जो है हाइड्रोमीटर तो आप लोग पेक्टीन की मात्रा को कैसे जांचोगे बताओ देख तो पेक्टीन को जांच करने का जो तरीका है मोटिवेशनल गुरु एंड नितेश एंड जो है परबत सिंह चौहान वेलकम तो आप सभी जो है बिल्कुल उत्तर दे रहे हैं ठीक है बहुत बढ़िया स्टूडेंट्स तो हरियो में इसी प्रकार से आपका दिलकेश है अभिषेक चौधरी है एंड कपिल है प्रिया पूनम सेकंड उत्तर दे रहे हो देखो पैक्टीन की जांच हमें कब करनी पड़ती है जब हम लोग क्या करते हैं हम लोग जेली बनाते हैं तो फलों से जेली बनती है आप सभी लोग जानते होंगे जेली तो जो फलों से जेली बनाते हैं तो सबसे अच्छी जेली तो बनती है अमरूद की इसके अलावा भी ऐसे फलों की अच्छी जेली बनती है जिसमें पैक्टीन की अच्छी मात्रा पाई जाती है हम लोग पैक्टीन की जांच करने के तरीके में जेल मीटर होता है एक होता है एल्कोहल विधि एल्कोहल विधि तो आप लोग एल्कोहल विधि से या फिर आप पेक्टिन के माध्यम से या फिर जेल मीटर के माध्यम से आप लोग पेक्टिन की जांच कर सकते हो पेक्टिन की जांच करना जरूरी है क्योंकि पेक्टिन के आधार पर ही हम उसमें शक्कर मिलाते हैं या चीनी मिलाते हैं ठीक है ना जेली के बारे में दो तीन पॉइंट और जान सकते हो जैसे एक अच्छी जेली में टी एस एस कितना होना चाहिए सिक्सटी फाइव डिग्री ब्रिक्स जेली के अंदर कम से कम फ्रूट का पार्ट कितना होना चाहिए पैतालीस परसेंट फल का भाग कम से कम होना चाहिए अच्छी जेली का जो है आपका जो है एसिड की मात्रा कितनी होनी चाहिए तो जीरो पॉइंट जो है आपका टू टू जीरो पॉइंट नाइन जीरो अच्छी जेली का पी एच कितना होना चाहिए तीन पॉइंट दो होना चाहिए है ना अच्छी जेली पारदर्शी होती है ठीक है ना तो इस तरीके से जेली आपको थोड़े थोड़े पॉइंट ध्यान रखोगे तो अच्छा रहेगा टोमेटो स्पोर्टेड विल्ट वायरस

पानक किससे बनता स्क्वेश आप किसी भी अच्छे फल से बना सकते हो नींबू और ये फलों से भी बना सकते हो आम से भी बना सकते हो किसी भी अच्छे फल से आप लोग पानक बना सकते हो ठीक है प्रिया सरगम दिलकुश अभिषेक कपिल वेरी गुड भी उत्तर दे रहे हो सब लोग शाबाश तो इसमें इसको टोमेटो स्पॉटेड विल्ट वायरस जो होता है इसको एक्चुअली थ्रिप्स फैलाता है आप लोग उत्तर भले ही बी दे रहे हो लेकिन गलत दे रहे हो कोई बात नहीं इसको थ्रिप्स के माध्यम से ये एक जगह से दूसरी जगह में फैलता है टमाटर में होता है इसलिए टोमेटो हम लोग कह रहे हैं अब टमाटर में एक तो लगता है लीफ कर्ल वायरस एक तो क्या लगता है लीफ लीफ कर्ल वायरस भाई लीफ कर्ल वायरस को तो टमाटर में कौन फैलाता है सफ़ेद मक्खी तो ज़्यादातर लीफ कर्ल को सफ़ेद मक्खी ही फैलाती है ठीक है टमाटर में होता है मोजेक वायरस मोजेक वायरस को कौन फैलाता है तो बेटा मोजेक वायरस को भी कौन फैलाएगा मोजेक वायरस को फैलाता है एफिड और उसी एफिड को पर्सी के कहते हैं और बेमेसिया टेबेसी सफेद मक्खी को कहते हैं ठीक है ना स्टूडेंट्स अब आपको मैं थोड़े और वायरस बताता हूं केले के अंदर एक वायरस लगता है या केले में जितने भी वायरस लगते हैं जैसे केले में खासकर तो लगता है टॉप वायरस इस बंची टॉप वायरस को कहते हैं शीर्ष गुच्छा रोग इसको भी फैलाता है एफिड उस एफिड को पेंटालोनिया निग्रो कहते हैं एक नींबू वर्गीय फलों में सिट्रस में नींबू वर्गीय फलों को कहते हैं सिट्रस उसमें लगता है ट्रिस्टेजा वायरस और उस ट्रिस्टेजा वायरस को भी फैलाता है एफिड उस एफिड का नाम होता है टॉक्सोप्टेरा सिट्रेसिडा एक लगता है भिंडी के अंदर उसे कहते हैं येलो वेन मोजेक वायरस उसको कौन फैलाता है सफेद मक्खी सफेद मक्खी को हम लोग व्हाइट फ्लाई के नाम से जानते हैं एक बिंडी में और लगता है इनेशन लीव कर्ल इनेशन लीफ लीफ कर्ल कर्ल वायरस वायरस जिसको कौन फैलाता है 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 उसको भी सफेद मक्खी फैलाती ठीक ना बिल्कुल तो ये सभी बातें आप लोग याद रखोगे चलो बेटा सर कोर्स कैसे परचेज करें इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखो कोर्स के बारे में आपको जब सबसे पहला काम तो रॉयल इंस्टीट्यूट का एप डाउनलोड करना है उस एप के ऊपर जो भी आपको कोर्स चाहिए

एक विंटरिंग अपने आप में इंपोर्टेंट प्रक्रिया होती है यह किसमें करेंगे क्रिया गुलाब में गुलदाउदी में ग्ले में गेंदे में विंटरिंग विंटरिंग इज इन रोज बेटा किस में करते हैं कौन बताएगा बिल्कुल ठीक है सर जूस को शुद्ध करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं कौन से जूस को शुद्ध करने की बात करो ठीक है जानकी ठीक है रघुवंशी ठीक है क्रेश कोर्स ले लिया बहुत बढ़िया तो जिसने क्रेश कोर्स ले लिया कोई बात नहीं आप अच्छे तरीके से पढ़ाई करो हरदीप रूपल ठीक है कोई बात प्यारे बच्चों अब यहां पर देखोगे कि विंटरिंग नामक क्रिया किस में करेंगे तो इसमें जो है हाँ आप लोग बिल्कुल उत्तर देखो अब यहां देखोगे कि ये विंटरिंग नामक क्रिया की जाती है गुलाब में ये एक्चुअली एक तरीके से रूट प्रूनिंग होती है रे इसको कहते हैं रूट प्रूनिंग रूट प्रूनिंग दो फसलों में फेमस है एक तो नींबू वर्गीय फलों के अंदर तो सिट्रो में सिट्रस में भी जड़ों की काट छाट फेमस है यह सुपरवाइजर के अंदर प्लस नया हुआ ध्यान रखना इसी तरीके से हम लोग बात करें तो गुलाब के अंदर क्या होता है लगभग सितंबर अक्टूबर महीने में जड़ों की थोड़ी सी काट छाँट करके नीचे जो जड़ क्षेत्र होता है वहां पे थोड़ा सा चारों तरफ से खोद करके जड़ों को काट छाट करते हैं 10 से 15 दिन के लिए उसको खुला छोड़ते हैं फिर अच्छे से देसी खाद वगैरह भर भरा के हम सिंचाई कर देते हैं इसको कहा जाता है विंटरिंग और इसका मतलब होता है पौधे को कृत्रिम रूप से आराम देना ये इसका उद्देश्य है ऐसा करते हैं तो पौधा उसके बाद में एकदम बहुत ज़्यादा फल देता है मतलब बहुत बंपर जो है उसके अंदर फ्रूटिंग होती है अगला प्रश्न है आपके सामने आंवले की किस्म कृष्णा निम्नलिखित में से किससे उत्पन्न होने वाला एक आकस्मिक अंकुरण है यानी आकस्मिक अंकुर है या चांस सीडलिंग है यह प्रश्न कितना बढ़िया है मैं आपको बताता हूं ट्रेंडिंग क्वेश्चन है आंवले की कृष्णा किस्म जो है कौन से किस्म से जो है एक तरीके से बनाई गई है तो बनारसी चकेया फ्रांसिस या फिर कंचन आंवला वैरायटी कंचन ये सॉरी आंवला वेराइटी कृष्णा इज ए सीडलिंग फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग वेरायटी तो बनारसी चक्के फ्रांसिस एंड कंचन ठीक है बिल्कुल गुड इवनिंग सभी को जो लेट आए हैं उनको भी गुड इवनिंग क्योंकि अब जाने वाले हैं उस समय आप लोग आ रहे हो तो अच्छी बात नहीं है आपको टाइम पे आना चाहिए बेटा फर जाना आपको जो है टाइम पे आना चाहिए छः बजे से सात बजे क्लास का टाइम है सात बजे आना तो ठीक नहीं होता है सात बजे यूँ बाय बाय बोलने के लिए आए हो तो ठीक नहीं है स्टूडेंट इस प्रश्न को आप देखें देखो ये ट्रेंडिंग है आजकल ठीक है ना इसका सही उत्तर तो आप लोगों का होता है बनारसी पहली बात तो मैं बता देता हूं देखो आंवले में तीन किस्में ऐसी हैं नरेंद्र आंवला फाइव नरेंद्र आंवला टेन और नरेंद्र आंवला नाइन पांच नौ और दस उसमें से ये जो पांच है उस एन फाइव को ही हम लोग कृष्णा कहते हैं एन जो किस्म सॉरी

तो मैंने आपको पहले एक चीज़ याद कराई थी ना अगर आप याद रखते नहीं हो लेकिन ठीक है ना एक वैरायटी है एन एक वैरायटी है एन एक वैरायटी है एन एक वैरायटी है एन ए को कहते हैं कंचन इसको कहते हैं कृष्णा इसको कहते हैं अमृत और इसको कहते हैं नीलम तो मैंने आपको क्या याद कराया है कंचन कृष्णा अमृत नीलम कंचन कृष्णा अमृत नीलम तो एन ए एन ए नाइन और एन ए टेन ये तीनों किस्में कौन से किस्म की चांस सीड लेंगे बनारसी की जबकि एन ए फोर एन ए सिक्स और एन ए एट ये किससे है तो चकिया से ये चीज़ें ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है ना सर आपकी क्लास जे एच वन में नहीं हुई थी क्या जे एच वन में हुई थी अभी इससे पहले जे एच वन में ही क्लास थी ठीक है ना बिल्कुल कोशिश करिए अच्छे तरीके से बिल्कुल जे एच वन में क्लास हुई थी तुम लोग अपसेंट थे क्या उसमें आना चाहिए था सभी को तो प्यारे बच्चों आज का टाइम समाप्ति की कगार पर पहुंच चुका है और आप सभी लोगों ने क्या बात है आज तो दमदार तरीके से फर्स्ट से लेकर के लस तक आप तक तो जुड़े रहे ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में आपका ये जो टाइम है ना ये बहुत कीमती है और ये चीज़ मेरे को पता है इसलिए मेरा ये प्रयास रहेगा कि मैं आपको बहुत अच्छी अच्छी बातें आपको बता पाऊँ हालांकि पूरे दिन टाइम आजकल पैक चल रहा है तो जो है थोड़ा एनर्जी लेवल आपको कम लग सकता है लेकिन कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा आपको फील नहीं बिल्कुल हो तो आप सभी बच्चे इस क्लास में जुड़ें आप सभी को मैं जो है बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ साथियों मेरी रिक्वेस्ट है कि क्लास में आप लोग टाइम पे आए और टाइम पे जाएं तो उसका पूरा फायदा आपको क्लास का मिल पाए क्रैश कोर्स में अभी एडमिशन स्टार्ट है आज ही नया बेच स्टार्ट हुआ है कल और नया बेच स्टार्ट होगा तो जो भी बच्चे तो क्रेश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं आप लोग ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ले सकते हैं ऑनलाइन में आपको रॉयल इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करना है और ये क्लास जो है बिल्कुल रेगुलर होती है बच्चे पूछ रहे हैं डेली होती है क्लास का टाइम जो है छः से सात बजे है हॉर्टिकल्चर आप सभी लोगों को क्लास में आना है ठीक है ना तो साथियों तो आप सभी लोगों की जो है अच्छी तैयारी के लिए मैं शुभकामनाएं देता हूँ टाइम ख़राब नहीं करें फ़ोन में सोशल मीडिया का यूज़ कम से कम करें बच्चों ठीक है दिल खुश बहुत बढ़िया मीना एंड प्रियंका एंड जो है सभी बच्चे थैंक यू सो मच जय हिंद जय भारत